सैलून्स पे और हमाम के ऊपर जो शेव करने के लिए इस्तेमाल होती है शेविंग जेल, वो बनाना सिखाएंगे। ये कारोबार घर से शुरू किया जा सकता है और सिर्फ 10-1 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट से काम शुरू हो सकता है। किसी भी बर्तन के अंदर पानी लें, जैसा कि हमने ये लिया हुआ है, सिर्फ 98 ग्राम पानी लेना है, ठीक है। इस 98 ग्राम पानी के अंदर आपने एक्राइलिक एसिड पॉलीमर्स डालने, 1 ग्राम डाल दें जी, ये डाल दिए पाउडर शेप में। अब इसको अच्छी तरह जो है ब्लेंडर के साथ या मिक्सर के साथ ठंडा लगा लेना है, इसको बहुत अच्छी तरह घोटा लेना है। आपके सामने घोटा दिया जा रहा है और ये जेल की शक्ल में आ जानी चाहिए, यानी ये बहुत गाढ़ा हो जाना चाहिए इसको। और उसके बाद जो चीज़ इसके अंदर डाली जाएगी वो भी बताता हूँ, पहले इसकी मिक्सिंग ब्लेंडिंग हो जाए। इसके अंदर जो डली है, जो दाना है, ये बिल्कुल टूट जाना चाहिए, कोई एक भी दाना नज़र नहीं आना चाहिए इसके अंदर। अच्छा, इसका मैं रेट बता दूं कि ये 1 ग्राम जो है ये 4 रुपए का है, यानी ये 4,000 रुपए किलो है। मुख्तलिफ क्वालिटियों में होते हैं, 5,000 रुपए किलो वाला भी है, 6,000 रुपए किलो वाला भी होता है। और इसको अच्छी तरह जब तक मिक्सिंग ना हो जाए, ये गाढ़ा जलनुमा ना हो जाए, तब तक आपने इसको मिक्सिंग करते रहना। ये हाई स्पीड पे मिक्सिंग होगा, स्लो स्पीड के ऊपर मिक्सिंग नहीं होता। ये जो मिक्सर है आपके पास, ब्लेंडर, ये कितने का आया हुआ है? सर ये 4700। ये 4700 का है, सस्ते भी हैं इससे और इससे भी महंगे होते हैं। ये किसी प्लास्टिक के टब में भी बना सकते हैं, जग में भी बना सकते हैं, ये शीशे के किसी बर्तन में भी बना सकते हैं। इसमें 2 से 3 मिनट तकरीबन जो है वो अच्छे मिक्सिंग के लग जाते हैं, तो जल्दबाजी नहीं करनी। जब तक इसकी दाना खत्म नहीं हो जाए तब तक आपने इसकी मिक्सिंग करते रहना है। अभी इसमें दाना नजर आ रहा है, आप जरा गौर से देखें। मैं वीडियो को यहाँ रोक भी सकता हूँ, काट भी सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं आपको मुकम्मल दिखाऊंगा कि इसको कितना टाइम लगता है और ये किस शक्ल में आपके सामने आएगा और इसके बाद इसमें क्या डालना है। जलनुमा चीज बनी है या नहीं बनी है जीरो कास्टिक पत्री डालने से बढ़ते जी डालें। अब इसके बाद हम इसके अंदर डालने वाले हैं कास्टिक पत्री 1 ग्राम। ये 1 ग्राम कास्टिक पत्री ये 18 पैसे की बनेगी। इसको भी इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे हम। जैसे जैसे इसको मिक्स करते जाएंगे ये जेल बनती जाएगी, गाढ़ी होती जाएगी, शदीद गाढ़ी। और आखिर में हम इसके अंदर एक चीज डालेंगे जिसका नाम है DMDM। ये सिर्फ 0.4 ग्राम डालेंगे और ये 0.4 ग्राम जो है ये 32 पैसे की बनेगी। तो ये जो जेल आपके सामने तैयार हो रही है, इसकी जो टोटल कीमत बनती है, ये DMDM डाल दिया है 0.4 ग्राम, तो ये 45 रुपए का किलो बनेगा। ये 1 किलो जब बन जाता है तो फिर इस तरह के जार के अंदर, इस तरह की प्लास्टिक की बोतल के अंदर इसको डाला जाता है। इसको बर्नी भी कहते हैं। ये 50 रुपए का जार है, तो 45 रुपए की प्रोडक्ट और 50 रुपए का जार, 95 रुपए, 3 रुपए का लेबल और 2 रुपए मजदूरी, कुल मिला के 100 रुपए का किलो वाला ये जार बनता है। सैलून्स के ऊपर, हमामों के ऊपर ये 150 रुपए का किलो वाला डब्बा जो है ये फरोख्त होता है। 10-1 हज़ार रुपए में घर में बैठ के ये काम शुरू किया जा सकता है। इस जेल को चेक करें आप जरा कि कितनी गाढ़ी हो गई है, ठीक है। इसको थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे भी आप जार को,
दिखाएंगे। ये चेक करें, अब जार को उल्टा कर दिया लेकिन इसके बावजूद ये नीचे नहीं गिर रहा है, बह नहीं रहा है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जेल जो है ये तैयार होगी, ये शेविंग जेल।